गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 करें। यहां पर हमें एंटी डेरिवेटिव एफ फाइंड आउट करना है, और किस फंक्शन का, एफएक्स का, जो फंक्शन ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है एफएक्स इज इक्वल्स टू 4x³ - 6। और हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ एट 0 इज इक्वल्स टू 3। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल। हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एफएक्स का। तो एफएक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम एफएक्स का इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, एफएक्स इज इक्वल्स टू 4x³ - 6। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफएक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन दैट इज 4x³ - 6x। डीएक्स, अब आप देख सकते हैं कि हम यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f1x dx प्लस f2x dx। तो हमारे पास जो इंटीग्रल हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6x dx। दिस इज इक्वल्स टू 4x³, 4 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 माइनस, सिमिलरली 6 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और एक्स dx का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस अ कांस्टेंट c। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करें तो हमें ये टर्म दैट मीन्स 4x⁴+c1 मिलेगा। अगर हम इस टर्म को इंटीग्रेट करें तो हमें 6x²/2+c2 मिलेगा। तो इन c1 और c2 दोनों को आपस में जोड़कर मैंने एक नया कांस्टेंट c लिख दिया, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा x⁴ - 3x²+c। और एंटी डेरिवेटिव ऑफ f क्या दिया हुआ है, कैपिटल f। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ fx dx क्या है, कैपिटल fx। तो हमने कैपिटल fx की वैल्यू निकाल ली। अब हमें इसमें इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी। हमें यहां पर अब कांस्टेंट c की वैल्यू भी निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 3। हमने f ऑफ x निकाल लिया, तो x की जगह 0 पुट कर दें, दैट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये टर्म बचेगी, दैट मीन्स f0 इज इक्वल्स टू c। और f0 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3। दैट मीन्स हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, c इज इक्वल्स टू 3। तो यहां से fx की वैल्यू क्या मिल गई, fx इज इक्वल्स टू x⁴ - 3x²+3। ये है एंटी डेरिवेटिव ऑफ f।